हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में यानी रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है हॉफमैन अमोनोलिसिस अभिक्रिया, या इसी को बोलेंगे हम कि एल्कोहल की उपस्थिति में NH3 से क्रिया यानी हेलो एल्केन की क्रिया आज हम किससे कराएंगे, अमोनिया से कराएंगे। अगर आप अमोनिया से कराएंगे तो हमारा जो क्या बनेगा, तो आप देखिए इस अभिक्रिया में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एमिनो तथा टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। तो हम जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया यानी स्त्री से करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी और टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम रिएक्शन के द्वारा समझते हैं, क्या लेंगे हम, आर एक्स लेंगे। अब आर एक्स यानी हेलो एल्केन ले लिए और किससे कराएंगे, अमोनिया से। तो अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो NH3 होता है, तो NH3 को हम इस पार्ट के रूप में लिखेंगे, यहाँ एच, यहाँ NH2। जब ऐसे रिएक्शन में लिखेंगे और एल्कोहल के प्रेजेंट में, तो लिख लेंगे हम यहाँ एल्कोहल, एल्कोहल की उपस्थिति में हम कराएंगे ये सब क्रिया को, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से एच टूट जाएगा और यहाँ से हेलोजन टूट जाएगा, तो हमारा क्या निकला, एच और एक्स। तो यहाँ से निकला एच एक्स, अब प्लस हमारा क्या बचा, आर, और यहाँ से NH2, तो इसी को हम लिखेंगे आर NH2। आर NH2 का निर्माण हुआ, अब आर NH2 को ही हम प्राइमरी एमीन बोल देंगे, क्या, प्राइमरी एमीन बोल देंगे। अब देखिए प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया हम पुनः किससे कराएंगे, एल्किल हैलाइड से कराएंगे। तो आइए कराते हैं हम आर NH2, तो आर NH लिखेंगे और यहाँ एच लगा देंगे, ठीक। अब देखिए प्लस आर एक्स, तो यहाँ हम एक्स लिखेंगे, यहाँ आर उल्टा कर दे रहे हैं। अब यहाँ से एक्स वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ एच वाला बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ से जब टूटेगा तो आप एल्कोहल की उपस्थिति में कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से यक्स, यहाँ से एच, हमारा क्या निकला, एच यक्स। प्लस हमारा क्या बचा, आर एन आर और एच प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमारा सेकेंडरी एमीन प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे हम, सेकेंडरी एमीन की क्रिया हम किस पे करा देंगे, पुनः हम हेलो एल्केन पे करा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, आर एन आर एच। अब किससे कराना है, हेलो एल्केन से, तो यक्स आर। अब जब इस अभिक्रिया को इस तरह कराएंगे तो पुनः हमारा यक्स टूट जाएगा, यहाँ से एच टूट जाएगा, तो हमारा अभिक्रिया क्या बचा, आर, या इसी को बताएंगे हम कि एच यक्स, हमारा क्या निकल गया, बाहर निकल गया। अब प्लस हमारा क्या बचा, यहाँ से एच निकल गया, यहाँ से एक्स, तो आर यहाँ जुड़ जाएगा, यानी आर एन आर और आर। और यहाँ पर देखिए अब क्या, यहाँ एक एक यानी सब हाइड्रोजन हट गए हैं ना, और हाइड्रोजन हट गए हैं तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन को बाहरी कक्षण में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक एक क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इस पर बच जाएंगे, यानी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। अब क्या करेंगे हम, यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाला हम इसी को, यानी हमारा ये सेकेंडरी टर्शरी एमीन प्राप्त हो गया। अब टर्शरी एमीन की क्रिया हम किससे कराएंगे, हेलो एल्केन से कराएंगे, तो इसी को यहाँ लिख लेते हैं, प्लस हम पुनः हेलो एल्केन से कराएंगे, तो एक्स बॉन्ड आर, ठीक। अब देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इस पे, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हेलोजन एटम्स को दे देंगे, जब हेलोजन एटम्स को दे दिए हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, तो यहाँ हम लिख देंगे एन बॉन्ड आर बॉन्ड आर बॉन्ड आर बॉन्ड आर। अब इसी को हम लिख लेंगे, अब जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दिया है तो इसके ऊपर क्या कर देंगे, हम पॉजिटिव चार्ज लिख देंगे, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर निगेटिव चार्ज हो जाता है, तो एक्स को हम क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या प्राप्त हो गया, यहाँ से देखिए प्राइमरी एमीन प्राप्त हो गया, सेकेंडरी एमीन प्राप्त हो गया, यहाँ टर्शरी एमीन प्राप्त हुआ, यहाँ क्या प्राप्त हुआ, देखिए टेट्रा एल्किल अमोनियम प्राप्त हो गया, या हमारा टेट्रा एल्किल अमोनियम प्राप्त हो गया। क्यों बोला गया टेट्रा, क्योंकि 4 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, कितने, 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब इसी का हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि किस प्रकार हम इसका एग्जाम्पल करेंगे, क्या
एग्जाम्पल देखेंगे, जहाँ आर लिख रहे थे आप लोग वही क्या लखना है, सी एच थ्री लिख लेना है, बस रब क्रिया हमारी हो जाएगी। अब यहाँ क्या ले रहे हैं, सी एच थ्री, और यहाँ बी आर ले लेते हैं, क्या ले रहे हैं, बी आर ले रहे हैं, यानी ब्रोमो मेथेन लेंगे, क्या ब्रोमो मेथेन कहेंगे। अब देखिए इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, अमोनिया से कराएंगे, तो अमोनिया से कराएंगे तो यहाँ एन एच टू कर दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए हाइड्रोजन, अब यही एन एच थ्री जोड़ेंगे तो एन एच थ्री लिखा है। अब इसी की अभिक्रिया किसके एल्कोहल की उपस्थिति में कराएंगे, एल्कोहल की उपस्थिति में जब आप करा देंगे तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन मुक्त हो गया और यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, तो क्या निकला, एच बी आर निकल गया, क्या एच बी आर, और प्लस क्या बचा, यहाँ से सी एच थ्री और यहाँ से एन एच टू, यानी सी एच थ्री एन एच टू का निर्माण हुआ, यानी मेथिल एमीन का निर्माण हुआ हमारा। जब मेथिल एमीन का निर्माण हुआ तो मेथिल एमीन को हम पुनः यहाँ लिख देंगे सी एच थ्री एन एच और यहाँ से हाइड्रोजन कर देंगे, अभी एन एच टू ही लिखा है इसका मतलब। अब प्लस पुनः हम क्या किससे क्रिया कराएंगे, मेथिल ब्रोमाइड से, तो बी आर यहाँ कर देंगे और सी एच थ्री इधर, अब ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, अब पुनः हमारा क्या होगा एल्कोहल की उपस्थिति में होगा, तो क्या होगा, यहाँ से एच निकला, यहाँ से बी आर निकला, पुनः हमारा क्या निकल आया एच बी आर निकल आया। अब प्लस अब क्या करेंगे, अब यहाँ सी एच थ्री है और यहाँ यहाँ से देखिए सी एच थ्री की जगह यहाँ हाइड्रोजन की जगह हम क्या लिखेंगे सी एच थ्री लिख देंगे, तो लिख दीजिए यहाँ सी एच थ्री एन सी एच थ्री और यहाँ एच हो गया हमारा, यह हमारा क्या हो गया प्राइमरी एमीन हो गया। अब प्राइमरी एमीन जब हमारा हो गया तो इसी प्राइमरी सेकेंडरी एमीन हो गया, ये सेकेंडरी एमीन को हम यहाँ लिख लेंगे सी एच थ्री एन सी एच थ्री। अब देखिए एच, अब क्या करेंगे हम पुनः बी आर सी एच थ्री से क्रिया करा देंगे, अब बी आर सी एच थ्री से क्रिया कराएंगे एल्कोहल की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से बी आर टूट जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन टूट जाएगा, तो हमारा बना यन, या इसी को लिखेंगे एच बी आर प्लस एन सी एच थ्री और सी एच थ्री का निर्माण हुआ। अब हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 होंगे तो 3 अपना इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लिख देंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसी को हम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। अब यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पुनः हमारा सी एच थ्री बी आर से क्रिया करेगा, यानी क्या लिखेंगे हम यन सी एच थ्री और सी एच थ्री, और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, अब किससे बी आर बी आर बी आर सी एच थ्री। अब देखिए ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं एल्कोहल की उपस्थिति में ये भी करेगा, देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देंगे ब्रोमीन को दे देंगे, अब दोनों इलेक्ट्रॉन जब ब्रोमीन को दे देंगे तो ये क्या होंगे, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ यहाँ का बॉन्ड खाली हो गया तो यहाँ से सी एच थ्री जुड़ जाएगा, तो यहाँ से सी एच थ्री जुड़ गया, यहाँ भी सी एच थ्री जुड़ गया, यहाँ भी सी एच थ्री और यहाँ भी सी एच थ्री जुड़ गया, और इस पर जिससे इलेक्ट्रॉन निकला उस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ गया और हमारा बी आर क्या हो गया निगेटिव हो गया। तो इस प्रकार हमारा क्या मिल गया, प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन और टेट्रा एल्किल या टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त हो गया। तो अभी हमारा रिएक्शन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, आइए हम समझ लेते हैं कि बी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, या आप कहेंगे कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया के ओ एच से या एन ए ओ एच से कराने पर हमको क्या प्राप्त होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि बी हाइड्रो हेलोजनीकरण, यानी बी हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब होगा हेलोजन, नीकरण मतलब होता है निकलना, तो यह लिखेंगे हाइड्रो मतलब होगा हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब होगा हेलोजन, हेलोजन होगा और निकरण मतलब होगा निकलेगा, निकलेगा, यानी आप कह सकते हैं हाइड्रोजन तथा हेलोजन का निकलना क्या कहलाएगा बी हाइड्रो हेलोजनीकरण कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं रिएक्शन के माध्यम से हम समझ लेंगे कि बी हाइड्रो हेलोजनीकरण की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं क्या लेंगे हम सी एच थ्री सी एच टू और क्या ले रहे हैं हम बी आर ले लेते हैं।
यानी हेलो एल्केन ले लिए हैं, अब यानी हेलो एल्केन यानी मिथिल एथिल ब्रोमाइड ले रहे हैं, अब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम किससे कराएंगे, के ओ एच से, किससे, के ओ एच से। अब देखिए के ओ एच से किसकी उपस्थिति में, पोलर सॉल्वेंट की, पोलर सॉल्वेंट से कराएंगे, यानी पोलर मिलेंगे तो हम क्या ले लीजिए, जल ले लीजिए, चाहे वाटर ले लीजिए, ठीक। अब आप जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से K टूटेगा और यहाँ से Br टूटेगा, तो हमारा क्या निकलेगा, KBr निकल गया, प्लस KBr, KBr निकल गया। अब यहाँ से जब KBr निकला तो हमारा क्या बचा, यहाँ से CH3 CH2 OH बच गया हमारा, CH3 CH2 OH प्लस KBr। अब देखिए यही अभिक्रिया हमारा जो होगा कि इस प्रकार भी होगा, अब यहाँ पोलर लिए थे, यहाँ क्या ले लिए, नॉन पोलर। अब नॉन पोलर क्या होता है, जैसे C2H5OH की उपस्थिति में, C2H5OH की उपस्थिति में किससे क्रिया कराएंगे, KOH से, किससे, KOH से कराएंगे, तो इसी चीज़ को हम इस प्रकार लिख देते हैं समझने के लिए, CH2OBr। अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन टूट जाएगा, यहाँ से Br टूट जाएगा, अब यहाँ से के ओ एच है ना, तो यहाँ से के वाला टूट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, KBr, तो प्लस क्या करेंगे हम, प्लस KBr लिख देंगे। अब प्लस KBr हो गया, अब यहाँ से देखिए H और यहाँ से OH क्या निकला, H2O क्या निकला, H2O निकल गया। और दूसरा आप देखिए यहाँ से CH2 बचाना, तो एक बॉन्ड खाली हुआ तो यहाँ एक बॉन्ड लग जाएगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 का निर्माण हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का निर्माण हुआ। अब देखिए यही अभिक्रिया हमारा क्या बनाया, एल्कीन बना लिया, एल्कीन यानी डबल बॉन्ड रहेगा तो हमारा एल्कीन का निर्माण किया। तो आप समझेंगे देखिए यहाँ से KOH यानी यहाँ अभिक्रिया देखे जाए तो ये नाभिक रागी अभिक्रिया है, कौन सा, नाभिक रागी अभिक्रिया हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए इसी में से टूटके बने हैं तो इसीलिए हम कहेंगे इसे इमल्सन अभिक्रिया, इसी को बोलेंगे हम निराकरण अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, निराकरण अभिक्रिया बोलेंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ, बी हाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया हुआ। देखिए क्या हुआ, बी हाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया, यहाँ क्या लगा देंगे, आप प्लस लगा देंगे, ठीक। तो इस प्रकार हमारा ये अभिक्रिया बनकर तैयार हुआ। तो आपको पॉइंट इसमें क्या याद करना है कि मोटी मोटी जो पॉइंट है इसमें आपको यही याद करना है कि आपके OH से अभिक्रिया कराएंगे पोलर के उपस्थिति में तो हमारा एल्कोहल का निर्माण हो जाता है, किसका, एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा और ये जो रिएक्शन होगा वो नाभिक रागी होगा। और दूसरा हमारा क्या होगा कि KOH की अभिक्रिया नॉन पोलर के साथ कराएंगे यानी एल्कोहल ले लेते हैं तो आपको जो रिएक्शन प्राप्त होता है एल्कीन प्राप्त होता है और ये अभिक्रिया हमारा क्या है, इलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाता है, इलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाता है, ठीक। तो ये अभिक्रिया हमारा क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आइए हम पढ़ेंगे पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया, यानी हेलो एल्केन की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे तब हमारा क्या बनेगा। तो देखते हैं कि रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड यानी KCN। अब देखिए KCN से कराएंगे हेलो एल्केन की से तो RX प्लस के बॉन्ड CN से जब हम कराएंगे तो यहाँ से K बॉन्ड टूटेगा, यहाँ X बॉन्ड टूटेगा, हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से R और यहाँ से CN, तो हमारा क्या निकला RCN और प्लस यहाँ से K, यहाँ से X क्या निकल गया, KX का निर्माण हुआ। अब देखिए एक एग्जांपल लेकर हम समझ लेते हैं कि लेते हैं क्या CH3 और यहाँ Br ले लेते हैं, Br की क्रिया हम किससे कराएंगे, पोटेशियम से, KCN से तो KCN से कराएं तो ये वाला बॉन्ड टूट गया, यहाँ से ए वाला बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ से CH3 और यहाँ से CN बन गया, तो हमारा क्या बन गया, CH3 CN प्लस KBr प्लस KBr, KBr का निर्माण हुआ। अब जब KBr का निर्माण हो गया तो ये हमारा कहलाएगा कि CH3CN यानी मिथिल साइनाइड का निर्माण। तो आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मिथिल साइनाइड का निर्माण कैसे करेंगे, तो मिथिल साइनाइड का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं, हेलो एल्केन की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से करा दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, मिथिल साइनाइड का निर्माण हो जाएगा, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया यानी हेलो एल्केन की सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं हम कि रिएक्शन विथ सिल्वर साइनाइड यानी AgCN
AgCN को ही हम बोल देते हैं सिल्वर साइनाइड। अब जब सिल्वर साइनाइड से अब क्रिया करा रहे हैं तो क्या हमारा बन जाएगा, यहाँ RX ले लीजिए और प्लस AgCN ले लीजिए। अब यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमारा नाइट्रोजन होगा वो एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा, ना कि सी जुड़ेगा। अगर सी नहीं जुड़ेगा तो उसका नाम अलग हो जाएगा। जो देखिए यहाँ से X टूटा और यहाँ से CN टूटा, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ AgX हमारा निकल गया, बाहर क्या निकल गया, AgX बाहर निकल गया, हमारा क्या बचा R, और यहाँ से R, यहाँ से N, यहाँ से C, ठीक। RNC का निर्माण हुआ, तो RNC को हम बोल देते हैं आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण हुआ हमारा, क्या हुआ, एल्किल आइसोसाइनाइड। आपको याद क्या करना है, अगर CN है तो ये हमारा साइनाइड कहलाता है, साइनाइड कहलाता है, लेकिन आप यन इधर ले आएंगे और सी लिख देंगे तो इसी को बोलेंगे हम आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड करेंगे, ठीक। क्या बोलेंगे हम, आइसोसाइनाइड। तो हमारा यहाँ क्या एन सी है ना, ओ आर है, तो एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। अब हमारा एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ क्या लेंगे, यहाँ लेंगे हम सी एच थ्री बी आर प्लस ए जी सी एन, ए जी सी एन से कराएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाए, ए जी यहाँ से बी आर, तो यहाँ से क्या निकला, ए जी प्लस ए जी बी आर प्लस हमारा क्या बचा सी एच थ्री एन सी ना, तो यहाँ लिखेंगे हम सी एच थ्री एन सी, यानी मिथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण हो गया, मिथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण हो गया। अब हम अदर रिएक्शन देखेंगे, आइए हम समझ लेते हैं कि हेलोजन विनिमय अभिक्रिया, हेलोजन विनिमय। अब हेलोजन विनिमय मतलब होता है, विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान करना, क्या आदान प्रदान करना, यानी कह सकते हैं हम इन अभिक्रिया में हेलोजन का विनिमय होता है, किसका, हेलोजन का, यानी हेलोजन एटम जो होते हैं उनका विनिमय होता है, आदान प्रदान कर लेते हैं, ठीक। तो इस अभिक्रिया में हम दो रिएक्शन पढ़ेंगे, और नाम वाले रिएक्शन है और दोनों वैज्ञानिक नाम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। कौन कौन से, स्वार्ट अभिक्रिया और दूसरा है फ्रेंकल टाइल अभिक्रिया। तो आइए हम पहले पे चर्चा करेंगे कि स्वार्ट अभिक्रिया क्या है, ठीक। आप क्या लेंगे, सी एच थ्री सी एल ले लीजिए। अब क्रिया किससे कराएंगे, ए जी एफ से, ए जी एफ से आप क्रिया कराएंगे। तो देखिए ये भी हमारा क्या हेलोजन है, ये भी हमारा क्या है, हेलोजन है, तो एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के पास चला जाएगा, दूसरा हेलोजन दूसरे पहले वाले हेलोजन के पास चला आएगा, यानी ए वाला हेलोजन यहाँ चला आएगा और ए वाला हेलोजन यहाँ चला आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ सी एच थ्री एफ लिख दिए और प्लस यहाँ लिखेंगे ए जी सी एल, ए जी सी एल का निर्माण हुआ, ठीक। अब इसी प्रकार हम दूसरा रिएक्शन भी कर सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं सी एच थ्री बी आर से भी हम करा सकते हैं प्लस ए जी एफ, ए जी एफ से, ठीक। अब देखिए अब यहाँ से जो हमारा होगा, यहाँ एफ चला आएगा, यहाँ क्या चला जाएगा बी आर, तो हमारा जो हमारा प्राप्त हुआ यहाँ सी एच थ्री एफ प्राप्त हुआ प्लस ए जी बी आर का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हमारे क्या हुए, हेलोजन का विनिमय द्वारा यह अभिक्रिया हो गया। अब हम दूसरा अभिक्रिया देखेंगे, फ्रेंकल टाइल अभिक्रिया। अब जो फ्रेंकल टाइल अभिक्रिया होता है वो क्या होता है, अब इसमें भी हम क्या लिखेंगे, सी एच थ्री सी एच थ्री सी एल ले लीजिए, सी एच थ्री सी एल, और यहाँ पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड से लेंगे तो यहाँ जो हमारा अभिक्रिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी एच थ्री आई प्लस के सी एल का निर्माण हुआ, के सी एल का निर्माण हुआ, यानी यहाँ आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड का निर्माण हुआ। अब देखेंगे दूसरा रिएक्शन भी सी एच थ्री बी आर से भी करा देते हैं, तो यहाँ से क्या कराएंगे के आई, अब यहाँ से के आई कराएंगे तो हमारा यहाँ फिर क्या बन जाएगा, सी एच थ्री आई प्लस के बी आर। तो आपको जो मोटी मोटी बात याद रखना है वो क्या याद रखना है, कि यहाँ मिथिल फ्लोराइड का निर्माण होता है और यहाँ मिथिल आयोडाइड का निर्माण होता है। और दूसरा पॉइंट इसमें कि यहाँ ए जी एफ रहेगा, यानी सिल्वर फ्लोराइड होगा और यहाँ क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया कराया जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन आपको हो पाएंगे, ठीक। तो आप या स्वार्ट अभिक्रिया हो या फ्रेंकल टाइल अभिक्रिया हो, दोनों को दोनों क्या होते हैं, विनिमय अभिक्रिया द्वारा होते हैं, यानी हेलोजन विनिमय के द्वारा हमारे ये रिएक्शंस हो जाएंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या अलग अभिक्रिया। दोस्तों आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।